जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अगर आपका कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो आप लोग मुझे भेजिएगा, मैं उनको ट्राई करूंगा बजाने के लिए. सो इन दिस अनबॉक्सिंग वीडियो आई एम गोना प्ले दैट वन सॉन्ग जो एक रिक्वेस्ट आया था. ये another vlog. So, आज के इस vlog में फिर से मैं करने जा रहा हूँ एक फ्लूट का अनबॉक्सिंग. सो ये मैंने और कुछ फ्लूट मंगाया है ऑनलाइन से, एंड दिस ऑल फ्लूट्स आर फ्रॉम पूनम. सो poonamflutes.com साइट में जाके मैंने ये मंगाया है. सो इस बार लेकिन कुछ अलग मंगाया है मैंने. वहां पे जब आप पूनम फ्लूट्स में जाओगे तो आपको वहां पे दो ऑप्शन मिलता है. एक जो एक नॉर्मल बांसुरी का आपको ऑप्शन मिलता है, जहां से आप जो नॉर्मल जो अमेजोन में भी मिल जाता है आप वो ऑर्डर कर सकते हो. लेकिन उसका और एक दूसरा भी है जहां आपको थोड़ा सस्ता मिलता है, कम मिलता है. सो क्लियरेंस सेल बोल के वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलता है, जहां पे मतलब ट्यूनिंग में कुछ अंतर नहीं होता है उसका, बस फ्लूट का थोड़ा डिजाइन में गड़बड़ी होता है. लेकिन इतना भी वो नहीं होगा, जैसे कुछ कुछ बैम्बूस होता है जिसका डिजाइन सुंदर नहीं है, मतलब कुछ उनमें कुछ दाग है शायद, ऐसे कुछ है. तो वैसे वाला को मतलब उस क्लियरेंस सेल में लगाते हैं, लेकिन प्राइस मगर कम हो जाता है वहां पे. लेकिन ट्यून वही भी रहता है और उसमें कुछ ऐसे नहीं है कि मतलब अच्छे से नहीं बजता है, ऐसे कुछ नहीं है. सो दिस फ्लूट दैट आई ब्रॉट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने मंगाया है टोटल ऑफ जी नेचुरल बेस, सी नेचुरल मीडियम, इसके बाद ई नेचुरल मीडियम, एफ नेचुरल मीडियम, डी नेचुरल मीडियम. सो एक दो तीन चार पांच, तो टोटल ऑफ फाइव फ्लूट यहाँ पे हैं. सो मैंने पांच फ्लूट एक साथ मंगाया था. सो उन्होंने कॉल किया था कि सबको अलग अलग से पैक करके भेजना है ना एक साथ, तो मैंने उन्हें कहा था एक साथ. सो लेट्स सी कैसा करके ये उन्होंने भेजा है. वैसे पैकिंग तो अच्छा ही लग रहा है. सो फर्स्ट टाइम का जो था वो भी बहुत ही अच्छा था. And I really hope ki ye bhi acha ho. So let's get started. मुझे यहाँ दिख रहा है एक दो तीन चार पांच, टोटल ऑफ फाइव फ्लूट. सो ये है आई थिंक जब आप और ये जो पूनम फ्लूट जब आप लेते हो तो आपको यहाँ से पता चल जाता है. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था
यहाँ पे सुभाष लिखा हुआ है, सुभाष या तो ओम लिखा होना चाहिए, तो सुभाष है, ओम है। सो ये सब ऑथेंटिक पीस है, और जैसे कहा था मैंने ये क्लियरेंस सेल से मैंने लिया है। सो इसका डिज़ाइन में मतलब जो आप शायद देख पा रहे हो क्या, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कुछ गाँव की तरह है, मतलब फ्लूट दिखने में इतना, मतलब जो पहले वाला था प्रोफेशनल जो मतलब मैंने नॉर्मल साइज से मंगाया था उससे थोड़ा अंतर है, बट ऑल इज गुड, सब अच्छा है। एंड और इसका जो स्केल होता है आपको यहाँ पीछे पे जो होल की साइड पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे ये एफ है और यहाँ पे ई है ये, एंड यहाँ पे डी है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको अंतर दिख जाएगा, जैसे ये फ्लूट देखिएगा आप, ये इसका कलर में आपको अंतर दिखाई मिल रहा है। सो इसका ट्यूनिंग में कोई अंतर नहीं है, बस इसका डिजाइन में अंतर है। सो इसका डिजाइन यही है। इसके बाद ये है जी बेस, जैसे यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी बेस फ्लूट। सो आज का जितना भी ये मेरा फ्लूट आया है यही है, आई टोटल नंबर ऑफ 5 फ्लूट्स। सो अच्छे से पहुंचा है, बहुत समय लगा, बट स्टिल लॉकडाउन की वजह से बहुत ये आने में तकलीफ हो रहा था। मैं बार बार ट्रैकिंग कर रहा था कि मेरा सामान पहुंचा कहाँ है, एंड डर भी रहा था जरा कि वापस चला जाएगा, एंड वो मैं चौकी मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये वापस चला जाए, क्योंकि आई रियली नीड दिस, मतलब अभी प्रैक्टिस चल रहा है मेरा तो बिल्कुल ज़रूरी है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी कि बहुत अच्छे से पहुंचा है और समय में, ऑलमोस्ट समय में पहुंच चुका है। सो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अगर आपका कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो आप लोग मुझे भेजिएगा, मैं उनको ट्राई करूंगा बजाने के लिए। सो इन दिस अनबॉक्सिंग वीडियो आई एम गोना प्ले दैट वन सॉन्ग जो एक रिक्वेस्ट आया था, ये जानिसार। तो जानिसार सॉन्ग का रिक्वेस्ट बहुत सारा मतलब दो तीन ने दिया था, तो आई एम गोना कवर ऑल ऑफ द जो भी मतलब आप लोगों ने मुझे भेजा है, ये क्या बोलता है कवर करने के लिए, मैं सब फ्लूट में कवर करूंगा, मगर अभी मतलब एक एक करके कवर करूंगा, एक साथ में सबको तो नहीं कर पाऊंगा। सो